ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ VCD नंबर 638, क्लैरिफाइड ऑन 26 मार्च 2007 एट हैदराबाद। ओम शांति। दिस इज द नाइट क्लास ऑफ द 29th जुलाई 1967। ये पाठशाला है। पाठशाला में स्टूडेंट्स को कभी भी लज्जा आती है क्या? दिस इज अ स्कूल। डू स्टूडेंट्स एवर फील शाय एट स्कूल? ऐसे तो कब होता ही नहीं है। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। अपना अपना अनुभव सुनाना होता है कि 84 जन्मों का पाठ बजाकर अभी फिर हम बाबा के पास आए हैं। Everyone has to narrate their experience. Now we have come again to Baba after playing the part of 84 births. और वो बाबा आकर के हमको फिर से पावन बना करके वापस ले जाएंगे। And that Baba will come and take us back after making us pure again. इसमें लज्जा की कोई बात ही नहीं है। There is nothing to feel shy in this. फिर स्वर्ग में आकर के हम सुख का पार्ट बजा देंगे। Then we will play the part of happiness after going to heaven. ये तो बहुत सहज बात है। ये हम नाटक के एक्टर्स हैं और ये मांडवा है, रंगमंच है। There is something very easy to understand. We are the actors of the drama and this is a pavilion, a stage. पेड़ की स्टेज है। This is the unlimited stage. हद की नॉलेज को तो सभी जानते हैं। Everyone does know the limited knowledge. इसे पेड़ की नॉलेज को कोई भी नहीं जानता। No one knows this unlimited knowledge. बेहद की नॉलेज है, सिर्फ बेहद का बाप ही जानते। ओनली द अनलिमिटेड फादर नोज दैट अनलिमिटेड नॉलेज। ऊंची ते ऊंची भगवान निराकार और हम आत्माएं भी ब्रह्म महत्व तत्व में रहती है। द हाइएस्ट ऑफ द हाई गॉड इज इनकॉर्पोरियल एंड वी सोल्स ऑल्सो लिव इन द सोल वर्ल्ड। ब्रह्मज्ञान, तत्व ज्ञान। द सन्यासी स्पीक अबाउट द नॉलेज ऑफ ब्रह्म, द नॉलेज ऑफ द एलिमेंट। ये आकाश तत्व है ना? दिस इज द एलिमेंट स्काई, इजंट इट? वो है ब्रह्मलोक। दैट इज द अबोड ऑफ ब्रह्म, जिसमें आत्माएं रहती है। वेयर द सोल्स रिसाइड। That itself is called the sweet silence home. वो है हम आत्माओं का घर। It is the home of us souls. बाप समझाते हैं, पहले पहले आत्माएं यहाँ पर आकर के जीसस का पार्ट बजाती। The father explains, first of all, the souls play the part of the deity religion after coming here. उनमें भी नंबर वार आवेंगे। दे टू विल कम नंबर वाइज। यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार लिया। दे विल डेफिनेटली डिसेंड अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ मेड हियर। बुद्धि में है ना कि हम पहले डीटीज में उस धर्म से ही फिर वृद्धि होती है। इट इज इन योर इंटेलेक्ट that first of all we play the part of the deity religion, isn't it? Then the expansion takes place from that very religion. अनेक धर्म हो जाते। Various religions come into existence. बहुत जीवों में देखो, सभी चीनी ही चीनी है।
है तो सभी भाई भाई ना। लुक एवरीवन अमंग द बुद्धिस्ट्स आर चाइनीज। ऑल ऑफ यू आर सर्टेनली ब्रदर्स फॉर ईच अदर, आरंट यू? उनकी भी देखो कैसे लड़ाई लगती है। बर्मा, सीलोन, ये बहुत ही है। लुक हाउ दे टू कीप फाइटिंग। बर्मा, सीलोन, दीज आर बुद्धिस्ट कंट्रीज। Ceylon. They have developed enmity towards each other only because of their dharna. Drama mein ye nuda hua hai. This is fixed in the drama. Baap ko jante hi nahi hai. They don't know the father at all. Is sab prakar ki dharm ki shreshth dharna hai ek baap hi sthapan karne wala hai. They don't know that it is the father alone who establishes the elevated dharna of all kinds of religions. The father himself comes and explains how do I, the creator, create the creation? फिर सूर्यवंशी देवता, फिर आते हैं इस्लामी बोधिया। फर्स्ट द ब्राह्मिन्स कम, देन द सूर्यवंशी डेटीज, देन द पीपल ऑफ द इस्लाम, द बुद्धिस्ट एंड सो ऑन कम लेटर। वो लोग तो फिर बोधियों को ही पहले कर देती। दे प्लेस ओनली द बुद्धिस्ट फर्स्ट। परंतु है पहले इस्लामी। अगर पहले बौद्ध ही कहे तो भी क्या है। However, it is the people of the Islam who come first, then the Buddhists. What difference does it make even if they say that the Buddhists came first? इन बातों में संशय नहीं आना चाहिए। You shouldn't have doubt in these concepts. गहराई में बहुत बातें जानने की। देर आर मेनी कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड इन डेप्थ। अपने धर्म को नहीं जानते हो तो दूसरे धर्मों में जाने की क्या दरकार है। वेन यू डोंट नो योर ओन रिलीजन, वॉट इज द नीड टू गो टू द अदर रिलीजन्स? क्रिश्चियन लोग तो दूसरे धर्मों की बात ही नहीं सुनते। The Christians don't listen to what the people of the other religions say at all. Muslims bhi Quran ke bina baat bhi nahi karenge. Even the Muslims won't talk regarding any other scripture except for the Quran. Kuch bhi nahi sunenge. They won't listen to anything at all. Baap aakar ke samjhate hain. The father comes and explains. कहते हैं कि पहले पहले है देवी देवता सनातन। He says, the ancient deity religion comes first of all. तुम जानते हो कि हमारी तो यादगार भी यहाँ पर ही है। You know, our यादगार is also present here itself. ढेर के ढेर देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। Lots of temples of the deities have been constructed. तो फिर जरूर हम देवता बन जाएंगे। सो वी विल सर्टनली बिकम डेटीज। जब हम देवता बन जाएंगे तो ये यादगार मंदिर आदि सब खलास हो जाएंगे। वेन वी बिकम डेटीज, दीज यादगार टेम्पल्स एटसेट्रा एवरीथिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड। मूल वतन में आत्मा निवास करती है। The souls reside in the supreme abode. तो कितना स्थान चाहिए? बहुत थोड़ा सा। So how much space do they require? Very little. और यहाँ पर ये कोई इतनी बड़ी नाटकशाला है
तो कितना सब चाहिए। एंड लुक हियर देर इज सच अ बिग थिएटर एज अ रिजल्ट सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड। निराकारी झाड़ में और साकारी झाड़ में कितना अंतर है। देर इज सच अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द इनकॉर्पोरियल ट्री एंड द कॉर्पोरियल ट्री। बहुत फर्क। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तुम तो कहीं पर भी जाओ तो कमाई कर सकते हो। यू कैन अर्न वेर एवर यू गो। विलायत में भी जाओ परंतु सिर्फ बाप को याद करते रहो। यू कैन इवन गो अब्रॉड बट जस्ट कीप रिमेम्बरिंग द फादर। वेजिटेरियंस तो वहां पर भी होते ही। देर आर वेजिटेरियंस देर एज वेल। तकलीफ की कोई बात नहीं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रबल। बाबा विलायत आदि में जाने के लिए मना नहीं करते। बाबा डजंट फॉरबिड एनीवन टू गो अब्रॉड एटसेट्रा। जहां भी जाओ तो पढ़ाई साथ में हो। Wherever you go, you should have your studies with you. ज्ञान से भी याद सहज है। Remembrance is easier than knowledge. ज्ञान सहज है कि याद सहज है? Is knowledge or remembrance easy? याद है तो सहज है। सब सहज है जब ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठा हुआ। स्टूडेंट रिमेम्बरेंस इज इजी। रिमेम्बरेंस इज डेफिनेटली इजी बट इट इज इजी व्हेन द नॉलेज हैज सेट प्रॉपरली इन द इंटेलेक्ट। ज्ञान का जानकारी पूरी पहचान हो। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन व्हेन यू हैव द कंप्लीट रिकॉग्निशन ऑफ द फादर। पहचान होगी तो याद सहज। इफ यू हैव द रिकॉग्निशन ऑफ द फादर द रिमेम्बरेंस विल बिकम इजी फॉर यू। एक ही सेकेंड की बात है। इट इज द मैटर ऑफ जस्ट अ सेकेंड। परंतु जितनी याद सहज है उतनी ही फिर डिफिकल्टी। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच रिमेम्बरेंस इज इजी इट इज इवन डिफिकल्ट टू दैट एक्सटेंट। और ज्ञान जितना डिफिकल्ट है उतना ही सहज। एंड द मोर द नॉलेज इज डिफिकल्ट द इजियर इट इज। याद को बार बार माया बुलाई देती है। माया मेक्स यू फॉरगेट द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर अगेन एंड अगेन। माया क्यों बुलाती है। Why does Maya make you forget him? क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। It is because you gain victory over Maya. इसलिए तुमको माया भुलाई देती। This is why Maya makes you forget the father. Om. Om Shanti. अगला रात्रि क्लास है 30 जुलाई 1967। द नेक्स्ट नाइट क्लास इज ऑफ द 30th जुलाई 1967। बच्चों को सहज ही समझाने के लिए बाबा चित्र भी छपवाए रहे। बाबा इज ऑल्सो हैविंग द पिक्चर्स प्रिंटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन इन एन इजी वे। चित्रों के सहारे सहारे सहज समझाने दे सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन इजीली विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। बारह तेरह ही चित्र बहुत जरूरी। ओनली 12 to 13 पिक्चर्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें गीता का भगवान और पतित पावन की पॉइंट्स हो। इन विच The points of God of the Gita and the purifier of the impure are present. Seedhi hai, gola hai,
देयर इज द लैडर, द वर्ल्ड ड्रामा व्हील। इन चित्रों को छपवाने के लिए भी बाप कभी भी कुछ भी नहीं मांगे। द फादर विल नेवर आस्क फॉर एनीथिंग टू हैव दीज पिक्चर्स प्रिंटेड। कभी भी मांगते नहीं है। ही नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है, अपना भाग्य बनाया है, उनको तो अभी भी जरूर बनाना। दोज हू हैव मेड पुरुषार्थ इन द प्रीवियस साइकिल, दोज हू हैव मेड देयर फॉर्च्यून, दे सर्टेनली हैव टू मेक इट इवन नाउ। बाप कितना दूरंदेशी है। द फादर इज सो फार साइटेड। इसलिए फिक्रात की कोई बात नहीं। So there is nothing to worry. 30x40 inch के जो चित्र हैं, ऐसे ऐसे 12 चित्र बाबा बनवाते। The pictures that are 30x40 inches in size, Baba will have such 12 pictures made. बाबा लिखते हैं ये काम कर रहा हूँ। Baba writes, I am working on this. जो बाबा अपने मुख से कहे कि मदद करो, ये कायदा नहीं है। दिस इज अगेंस्ट द रूल दैट शिव बाबा विल से थ्रू हिज माउथ, हेल्प मी। बाबा जोर दे रहे हैं। बाबा इज एम्फसाइजिंग कि जल्दी जल्दी चित्र बनवाओ। हैव द पिक्चर्स मेड सून। तो सर्विस से जल्दी वृद्धि को पा जाएगी। देन द सर्विस विल प्रोग्रेस क्विकली। चित्र बने नहीं है क्या? Haven't the pictures been made yet? संशासक से चित्र बनते चले आ रहे हैं। संसार में ही मुख्य चित्र छप गए थे। मूर्ति गोला झाड़। अरे द पिक्चर्स आर बीइंग मेड सिंस द ईयर 66। The main pictures were printed in the year 1960 itself. The Trimurti, the World Drama Wheel and the Kalpa Tree. अभी कितने साल हो गए? Now, how many years have passed? 45-50 साल हुए। चित्र छपते छपते अभी 12 चित्र नहीं छप पाए। 45 to 50 years have passed since the printing of these pictures began. Haven't 12 pictures been printed yet? उन जड़ चित्रों से समझाने से कोई को समझ में नहीं आएगा पूरा। स्टूडेंट इट इज अबाउट द लिविंग पिक्चर्स। यस इफ यू एक्सप्लेन टू समवन विद द हेल्प ऑफ दोज नॉन लिविंग पिक्चर्स ही वोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल ज्ञान है। आवर नॉलेज इज प्रैक्टिकल। चित्र चरित्र की याद दिलाता है। अ पिक्चर पोर्ट्रेज द कॉन्डक्ट। और वो चरित्र अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जल्दी से जल्दी क्यों समझ में नहीं आएगा। एंड इफ समवन सीज दैट कॉन्डक्ट इन प्रैक्टिस व्हाई वोंट ही अंडरस्टैंड इट क्विकली। बाबा लिखते हैं ये काम कर रहा हूँ। तो बाबा राइट्स, आई एम वर्किंग ऑन इट। इन चित्रों से बहुत सर्विस हो सकती है। अ लॉट ऑफ सर्विस कैन टेक प्लेस थ्रू दीज पिक्चर्स। सारा ज्ञान इन्हीं 12 चित्रों में आ जाता है। द एंटायर नॉलेज इज कंटेन्ड इन दीज वेरी 12 पिक्चर्स। कौन से 12 चित्र? विच 12 पिक्चर्स? जो सूर्यवंशी 12 मणके है, उन 12 चैतन्य चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान आ जाता है। द एंटायर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज कंटेन्ड इन दोज 12 लिविंग पिक्चर्स, दैट इज द 12 सूर्यवंशी बीड्स ऑफ द रोजरी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी, दिस इज वाई इवन इन द पाथ ऑफ भक्ति, मनुष्यों को कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है। In how many categories are the human beings divided? 12 राशियों में बांटा हुआ है। They are divided into 12 zodiac signs. मनुष्य तो समझ ही जावे।
द ह्यूमन बींग्स विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट. इफ दे आर एनिमल्स इट वॉन्ट सिट इन देयर इंटेलेक्ट. भाषाएं तो भारत में बहुत है. देर आर सर्टनली मेनी लैंग्वेजेस इन भारत. इतनी भाषाएं और कोई देश में नहीं है. देर आरंट सो मेनी लैंग्वेजेस इन एनी अदर कंट्री. बाबा फिर कहां तक भाषाएं सिखलाएंगे और छपवाएंगे. टू वॉट एक्सटेंट विल बाबा टीच यू लैंग्वेजेस एंड हैव बुक्स प्रिंटेड इन देम. तो फिर आप ही कॉपी करेंगे. सो दे विल कॉपी ऑन देयर ओन. मुख्य तो इन चित्रों से ही सारी सर्विस होनी. बेसिकली ऑल द सर्विस हैज टू टेक प्लेस थ्रू दीज वेरी पिक्चर्स. गांव गांव में ये चित्र जाएंगे. दीज पिक्चर्स विल रीच एवरी विलेज. उन गांव में भी सन्यासी लोग खिलाफत में भाषण करने लग पड़ेंगे. इन दोज विलेजेस टू द सन्यासीज विल स्टार्ट डिलीवरिंग स्पीचेस इन ऑपोजिशन. क्यों? वाई? सन्यासी लोग ही खिलाफत में भाषण क्यों करेंगे? वाई विल ओनली द सन्यासीज डिलीवर स्पीचेस इन ऑपोजिशन? क्योंकि तुम सूर्यवंशी देवी देवताएं हो प्रवृत्ति मारे के पक्के. इट इज बिकॉज यू सूर्यवंशी डेटीज आर फर्म इन द हाउस होल्ड पाथ. वो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सिर्फ विनाश की ही बातें करती रहती. दे विल से दीज ब्रह्मा कुमार कुमारीज कीप टॉकिंग ओनली अबाउट डिस्ट्रक्शन. पता नहीं ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है. नो वन नोज हु दीज ब्रह्मा कुमार कुमारीज आर. जो लाइसेंस का सबकी वाणी का दूसरा पेज. सेकेंड पेज ऑफ द वाणी ऑफ द 30th July 1967. कहेंगे न कभी ये ज्ञान सुना और न शास्त्रों में ही पढ़ा है. दे विल से वी हैव नीदर हर्ड नॉर रेड दिस नॉलेज एवर इन द स्क्रिप्चर्स. बात को समझते नहीं. दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कि कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो सास लेकर के नहीं आते. दैट व्हेन अ रिलीजियस फादर कम्स ही डजंट ब्रिंग अलोंग द स्क्रिप्चर विथ हिम. डायरेक्ट अपनी बात सुनाते. ही नरेट्स डायरेक्टली. यहाँ भी परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते. हियर टू द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल क्रिएट्स द क्रिएशन थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा. तो ब्रह्मा द्वारा रचना रचेंगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे ना. सो व्हेन ही क्रिएट्स द क्रिएशन थ्रू ब्रह्मा सर्टनली ब्रह्मा कुमार कुमारीज विल बी क्रिएटेड वोंट दे. ब्रह्मा की औलाद ही ब्राह्मण होते. The progeny of Brahma alone are called Brahmins. जैसे विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव कहे जाते हैं. Just like the followers of Vishnu are called Vaishnav. शिव को फॉलो करने वाले शैव कहे जाते हैं. The followers of Shiv are called Shaiv. पत्थर बुद्धि समझते नहीं. The ones having a stone-like intellect don't understand it. शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मा को करोड़ भुजाएं हजारों भुजाएं. It has certainly been written in the scriptures that Brahma has millions of arms. He has thousand arms. तो समझना चाहिए ना कि ये वृद्धि होती रहती है. So you should understand, shouldn't you, that the expansion keeps taking place. भुजाएं माने मददगार आत्माएं. आर्म्स मीन द हेल्पर सोल्स. लाखों करोड़ों भुजाएं हो जाएंगी. देर विल बी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आर्म्स. किसकी? हुज? ब्रह्मा की लाखों करोड़ों भुजाएं हो जाएंगी.
ब्रह्मा विल हैव थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आर्म्स. क्यों? व्हाई? शंकर ने क्या गुनाह किया जो उनके कोई मददगार नहीं बनते? व्हाट सिन डिड शंकर कमिट दैट नो वन बिकम्स हिज हेल्पर? ब्रह्मा मीन्स द सीनियर मदर. शंकर को जगत पिता कहा जाता है? शंकर इज सर्टनली कॉल्ड द वर्ल्ड फादर. माता लीनेंसी का पार्ट बजाती है, पाप करप पार्ट बजाता है. मदर प्लेज अ लीनियंट रोल एंड फादर प्लेज अ स्ट्रिक्ट रोल. तो ब्रह्मा के मददगार बहुत बन जाते. सो मेनी बिकम द हेल्पर्स ऑफ ब्रह्मा. तो ये सब बातें समझाने के लिए चित्र जरूर चाहिए. सो यू सर्टनली नीड पिक्चर्स टू एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स. सीढ़ी के चित्र भी छप रहे हैं. द पिक्चर्स ऑफ लैडर आर ऑल्सो बींग प्रिंटेड. इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो. You can explain nicely on it. Why was it said about explaining nicely only on the picture of the ladder? क्योंकि सीढ़ी में भारत के 84 जन्मों की कहानी दी हुई. It is because the story of the 84 births of Bharat is mentioned in the picture of the ladder. और धर्म वालों के, देशवासियों के, देशवासियों के अनेक जन्मों की कहानी नहीं है. इट इज इन द स्टोरी ऑफ द मेनी बर्थ्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजन्स और द रेसिडेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज. भारत के उत्थान पतन की कहानी है. इट इज द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ भारत. भारत ही सत्व प्रधान था. ओनली भारत वॉज सत्व प्रधान. और दूसरे धर्मखंडों को सत्व प्रधान नहीं कहेंगे. द अदर रिलीजियस लैंड्स वोंट बी कॉल्ड सत्व प्रधान. उन धर्मखंडों में जो धर्म आए वो अपनी स्टेज में सत्व प्रधान स्टेज में थे. The religions that were established in those religious lands, they were certainly Satopradhan in their Satopradhan stage. Abhisab Tamopradhan. Now all of them are Tamopradhan. Phir baap aaye hue hai, to sabko Satopradhan banna hai. Then the father has come, so everyone has to become Satopradhan. Iske liye bulate hai. They call him for this very purpose. Ganga Patita Pavani ko thode bulate hain. They certainly don't call the Ganges, the purifier of the impure. Ganga mein koi snan karne se pavan hote nahi hai. No one becomes pure by bathing in the Ganges. Pukarte to phir bhi hai ki ye Patita Pavan aao. They still call him, O purifier of the impure, come. तो जो पतित से पावन बनावे उनको ही गुरु कहा जाता है. So, the one who makes you pure himself is called guru. गंगा में जो शरीर को धोते हैं. They wash their body in the Ganges. So, only the body will be cleaned, won't it? तुम्हारी आत्मा में अभी खाद पड़ गई. Now, there are impurities in your soul. वो खाद तो याद से ही निकलेगी. Those impurities will be removed only through remembrance. अनेकों की याद से खाद पड़ गई. Impurities were added because of remembering many.
अब एक की याद से खाद निकलेगी। Now the impurities will be removed by remembering the one. क्योंकि बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ ना। It is because the father says, I am the purifier of the impure. Am I not? पतित पावन कहते हैं तो सीताराम का नाम दिया जाता है। When they say the purifier of the impure, they mention the name of Sitaram. तो मनुष्य का नाम लिया ना? So they took the name of human being, didn't they? पानी का नाम थोड़े लिया? They certainly didn't take the name of water. परंतु ये भक्ति तो जन्म जन्मांतर से होती चली आई। However, this bhakti has been going on since many births. शास्त्र में तो झूठ ही लिख दिया है कि ज्योति ज्योति समाया। They have written only lies in the scriptures that light merges in the light. अभी ये तो भगवान की ज्ञान ज्योति है। Now this is the light of the knowledge of God. इस ज्ञान की ज्योति में सभी मनुष्य मात्रों का मात्र का ज्ञान The light of knowledge in which the knowledge of all human beings will get merged. They say the soul gets immersed in the supreme soul. Now there is no question of getting immersed at all. अंचली भरे पानी सागर में से लिया जाए और सागर में ही डाल दिया जाए। इफ ए हैंडफुल ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम द ओशन एंड देन पोर्ड बैक इन टू द ओशन तो कहेंगे पानी की अंचली सागर में लीन हो गई। इट विल बी सेड दैट अ हैंडफुल ऑफ वाटर हैज इमर्स्ड इन द ओशन वो पानी वापस फिर नहीं आ सकता। That water can't be obtained again. अब आत्मा तो अजर अमर विनाशी है। Now a soul is definitely ageless, immortal and imperishable. आत्मा में जो संस्कार है वो भी अजर अमर विनाशी है। The संस्कार्स प्रेजेंट इन द सोल आर also eternal, immortal and imperishable. आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो जावे तो अलग अलग आत्मों के अलग अलग स्वभाव संस्कार कैसे अपना पार्ट बजा रही। इफ अ सोल गेट्स इमर्स्ड इन द सुप्रीम सोल हाउ विल द डिफरेंट नेचर एंड संस्कार ऑफ द डिफरेंट सोल्स प्ले देयर पार्ट। आत्मा लीन हो जावे माने आत्मा के स्वभाव संस्कार और अनेक जन्मों के पार्ट का ही विनाश हो गया। इफ अ सोल मर्जेस इन द सुप्रीम सोल इट मीन्स Its nature, संस्कार्स and the part of its many births is destroyed. कोई आत्मा ये चाहेगी कि मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। Will any soul wish that its existence should finish forever? कोई नहीं चाहेगा। No one will wish it. तो कहते हैं जो कि आत्मा परमात्मा में लीन होती है वो ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि परमात्मा में जाकर परमात्मा में लीन होती है। So those who say that a soul gets immersed in the supreme soul, why don't they say that the supreme souls get immersed in the supreme soul? जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। When they say the soul is equal to the supreme soul. बहुत पॉइंट्स है समझाने के लिए। देर आर मेनी पॉइंट्स टू एक्सप्लेन। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं वो तो इतना ज्ञान धारण नहीं कर सकती। वेरी ओल्ड मदर्स कांट असिमिलेट सो मच नॉलेज एट ऑल। क्यों नहीं कर सकती? वाई कांट दे असिमिलेट इट?
इतना सतर्क नहीं थे। सखी अरे सही है क्या, मुंह माता नहीं थी क्या? Wasn't Sati Anusuya a mother? उसने जो को कैसा ज्ञान धारण किया? Look, how she assimilated the knowledge. ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अहंकार नीचा कर दिए। She humiliated even the ego of Brahma, Vishnu and Shankar. माताएं भी सब एक जैसी नहीं होती। All mothers aren't the same. बहुत होती है जो अहिल्याएं होती है। There are many who are अहिल्यास। कुबजाओं में सल होती है, गणिकाएं होती है। They are like कुबजास, they are गणिकास। अहिल्या कितना भी उनको समझाओ फिर भी जिसके साथ उनका लगाव लग जाएगा उस सर्प को बार बार मना करने पर भी बाबा की सभा में ले आवेगी। अहिल्या नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन टू देम दे विल स्टिल ब्रिंग अलोंग टू बाबाज गैदरिंग द स्नेक विथ हुम दे हैव अटैचमेंट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉरबिड देम। सभा का वातावरण ही खराब कर देते। दे स्पॉइल द वेरी एटमोस्फेयर ऑफ द गैदरिंग। ऐसी अल्याओं को फिर साथ मिल जाता है पत्थर बुद्धि बन जाओ। सच अहिल्याज आर कर्स्ड मे यू बिकम द वन विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। पत्थर बुद्धि की खासियत क्या होगी? वॉट विल बी द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ समवन हैविंग अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट? पत्थर बुद्धि को कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर की पहचान ठहर नहीं सकती। नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन टू समवन हैविंग अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट द नॉलेज ऑफ गॉड द रिकॉग्निशन ऑफ गॉड कांट स्टे इन हिज इंटेलेक्ट। कुब्जाएं होती है। देन देयर आर कुब्जास। कुब्जा माने जिन्हें की बैकबोन टूट गई हो। कुब्जा मीन्स दोज हुज बैकबोन इज ब्रोकन। माने बैकबोन बाप दादा की दिल उनसे हट जाती है ऐसे ऐसे काम करती है। इट मीन्स दैट दे परफॉर्म सच डीड्स दैट द हार्ट ऑफ बाप दादा हु इज द बैकबोन टर्न्स अवे फ्रॉम देम। जब दिल ही हट गई तो उनको सहारा कैसे मिलेगा? When his very heart has turned away from them, how will they receive support from him? कोई गणिकाएं होती हैं। Some are गणिकास। ज्ञान के गीत बहुत गाती हैं। They sing a lot of songs of knowledge. परंतु संग को संग ही करती। But they just keep bad company. भगवान का संग करना चाहिए ना? They should keep the company of God, shouldn't they? भगवान आया हुआ है उन्हें कोई संदेश दे तो भी उन गणिकाओं की बुद्धि में बैठता नहीं है कि भगवान आया हुआ है तो भगवान का संग करना। Even if someone gives them the message, God has come, it doesn't sit in their intellect that God has come. So they should keep the company of God. संग फिर भी कुसंग का करेंगे तो ऐसी ऐसी जो अहिल्याएं कुबजाएं गणिकाएं होती है उनकी बुद्धि में इतना धारणा नहीं हो सकती। दे स्टिल कीप बैड कंपनी सो सच अहिल्यास कुबजास गणिकास कांट असिमिलेट द नॉलेज सो मच इन द इंटेलेक्ट। नहीं पढ़ी हुई है तो और ही अच्छा है। इफ दे आर अनएजुकेटेड इट इज इवन बेटर। यहाँ लौकिक पढ़ाई की कोई बात नहीं है।
here, there is no question of the Laukic studies. इस समय तो उसको डागली पढ़ाई पढ़ाने की भी दरकार नहीं है. Right now, there is no need to teach the children these dogly studies either. कोई फायदा नहीं. It is of no use. जब तक चिट्ठी लिख करके न देवे तो बाप कहते हैं कि छोटी बच्ची को भी कोई सेंटर में हम रख नहीं सकते. The father says, until the parents write a letter and give, we can't keep a minor in the center. जिस्मानी नौकरी करने से तो ईश्वरी नौकरी करना चाहिए. It is better to do the service of God than to do the physical service. Baba bhi service karne aate hain. Even Baba comes to do service. Kai to istriyan bhi aisi hoti hain. There are many of such women too who can't live without taking the poison of lust. Then what is the use of keeping them in the ashram? Those prostitutes are so dirty. कुसंग जरूर करेंगी. They will certainly keep bad company. उनका भी उद्धार करना पड़ता है. Then the father has to uplift them as well. तो तुम बच्चों को ऐसी वैश्याओं के पास जाकर भी भाषण करना पड़े. So you children have to go to such prostitutes too and deliver speech. इस काम की राय कोई ने भी नहीं लिखी है. No one has suggested to do this. वैश्याओं की सर्विस भी करनी चाहिए. You should do the service of the prostitutes as well. इन वैश्याओं की भी जमायत होती है. There is a community of these prostitutes too. संगठन होता है. They have a gathering. उस जमायत में से थोड़ी भी निकल आवे तो तुम्हारा बहुत नामाचार हो जावे. इवन इफ अ फ्यू ऑफ देम फ्रॉम दैट कम्युनिटी कम इन नॉलेज, योर नेम विल बी ग्लोरिफाइड. कौन सी वैश्याओं की बात की होगी? ही हैज सेड अबाउट विच प्रोस्टिट्यूट? बाहर की दुनिया की वैश्याओं की बात है क्या? Is it about the prostitutes of the outside world? इन वैश्याओं की भी एसोसिएशन होती है. There is an association of these prostitutes too. उनको पकड़कर सर्विस करें और बहुतों को पवित्र बना करके दिखावे. You should catch hold of them, do their service and make many of them pure and set an example. तो तुम्हारा कितना नाम वाला हो जाएगा. Then you will become so famous. वो वैश्याएं बहुतों के नाम रूप में फंसी हुई होती हैं. Those prostitutes are entangled in the name and form of many people. बड़े बड़े वैश्यालय हैं. There are very big brothels. तुम ऐसा काम करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारी खुद भी पवित्र रहती है और दूसरों को भी पवित्र बनाती है. इफ यू डू दिस मेनी पीपल विल से दिस ब्रह्मा कुमार कुमारीज देमसेल्फ स्टे प्योर एंड ऑल्सो मेक अदर्स प्योर. सबसे जास्ती अधम जूती तो वैश्याओं की है. द मोस्ट इरिलीजियस शू इज ऑफ द प्रोस्टिट्यूट. जूती माना पाँव जूती में डाला जाता है ना. What does shoe mean? The foot is put in the shoe, isn't it?
कौन सा पांव? Which foot? बुद्ध रूपी पांव. The foot like intellect. ये शरीर रूपी जूती है. This is the shoe like body. सबसे आधम जूती वैश्याओं की होती है. The most irreligious shoe is of the prostitutes. इन वैश्याओं के कारण ही भारत पर वैश्या लेना पड़ा. Bharat has been entitled as brothel, that is Vaishyale, only because of these prostitutes. Nahi to ye Bharat Shivalay tha. Otherwise, this Bharat was Shivalay. So first of all, you should uplift your hamjins. Meaning of the same category. Baba ke paas bachche rahe to bahut bechte rehte. The children do keep sending many suggestions to Baba. Parantu sirf rahe dene se to kaam nahi chalega. However, just giving suggestions won't work. Kaam karne wala bhi to chahiye na. There should also be someone to do the work, shouldn't there? आज की दुनिया में वैश्याले तो जहाँ तहाँ होते ही हैं। इन टूडेज वर्ल्ड देर आर ब्रॉथल्स एवरीवेयर. पहले तो इन वैश्याओं को खाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल अपलिफ्ट दीज प्रोस्टिट्यूट्स. क्योंकि चारों ओर आवाज हो जावे. सो दैट द वॉइस स्प्रेड्स एवरीवेयर. उन्हें में से पांच सात अच्छी अच्छी माताएं निकले. 5 to 7 very good mothers should come out from them. पहले तो ये काम करके दिखा रहे. First, you should do this work and prove yourself. फिर बाद में कपूरे मारे. Then boast about yourself. सरकार को कहो कि देखो हम तो ये ऊंचे कार्य कर रहे हैं. Tell the government, look, we are doing this elevated work. वैश्याएं भी जब मरती हैं, तो मरने के वक्त में के अंदर जो संस्कार होते हैं, वो ही संस्कार अगले जन्म में ले जाती. When prostitutes also die, the संस्कार that they have at the time of leaving their body, they take those very संस्कार in their next birth. कोई गृहस्थी के पास ही जन्म लेगी. They will certainly be born to householders. ग्रस्ति के पास जन्म लेकर भी फिर वैश्या बन जाती. In spite of being born to householders, they become prostitutes again. तुम समझाओ कि अब तो शिवालय में चलो. Explain to them, at least now come to शिवालय. What will they answer? कि हम शिवालय में जाएंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे? They would say, if we go to शिवालय, how will we earn our livelihood? उनको समझाओ. अच्छा तुम चलो तो सही. Explain to them, अच्छा at least come there with us. शिव बाप आया हुआ है. The father Shiv has come. तुम्हारी भी परवरिश करेगा. He will sustain you too. तुमको खाना आदि सब मिलेगा. You will get everything including food etc. तो तुम बच्चे इसी सर्विस में लग जाओ. तब हम तुमको शिवालय का मालिक बना देंगे. So, you children engage yourselves in this very service. It is then that I will make you the masters of शिवालय. शिवालय का मालिक बनाते हैं ना? I make you the masters of शिवालय, don't I? तुम्हारा कितना नाम वाला हो जाएगा? You will become so famous.
बहादुर, अच्छी अच्छी माताएं सर्विस करने के लिए चाहिए। ब्रेव एंड वेरी गुड मदर्स आर रिक्वायर्ड टू डू दिस सर्विस। ऐसे वैश्यालय में जाके सर्विस करें और उस वैश्यालय का छींटा भी न लगे, ऐसी बहादुर। They should go and do service in a brothel in this way, and they shouldn't even have a speck of its influence on them. They should be so brave. जो ऐसी सर्विस कर सकते हैं वो नाम भेज दे। Those who can do such service should send their names. पहले पहले आवाज ही दिल्ली से होगा। First of all, the voice will spread from Delhi itself. What? ऐसी बहादुर माताएं निकले जो वैश्यालय को शिवालय बना ले। Such brave mothers should come up who transform brothel into शिवालय। सेवा में पहले पहले आवाज कहाँ से होगा? From where will the voice come out in this service first of all? दिल्ली से। From Delhi. This is why the village Bahadur Gad is present as the yadgar of this. What kind of fort? A fort of brave mothers. बड़े बड़े social workers भी वहाँ पर हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। Very great social workers also live there. Where? In Delhi. सर्विस करनी चाहिए। यू शुड डू द सर्विस ऑफ द इंफीरियर शुडंट यू? साथ साथ में ये सर्विस भी करते हो। कीप डूइंग दिस सर्विस अलोंग विथ इट। तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। देन यू विल बिकम फेमस। अभी केस आदि करने का तो समय नहीं है। Now there is no time to file a case and so on. ताकि भगवान के ऊपर केस करने के लिए बोला ना? वो समय अभी नहीं है, क्यों? Baba has asked to file a case on the topic of God of the Gita, hasn't he? Now it isn't the time for that. Why? इसलिए नहीं है कि जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी ब्रह्मा के मुख से, तो कोई की बुद्धि में था ही नहीं कि कृष्ण गीता का भगवान कैसे नहीं। इट इज इन द टाइम बिकॉज वेन दिस वाणी वॉज बींग नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा, इट वॉजेंट इन एनी वंस इंटेलेक्ट दैट हाउ कृष्ण इज इन गॉड ऑफ द गीता। They had considered Dada Lekhraj Brahma himself as the corporeal god. तो गीता के भगवान की सर्विस करने का तो बहुत बड़ा पाप है। So there is a great pomp in doing the service of God of the Gita. परंतु बोला कि ये समय अभी नहीं आया है। However, it was said the time hasn't arrived yet. समय तो ये केस भी करेंगे। When the time comes, we will file this case as well. सर्विस के लिए तो बाबा बैठे ही है। बाबा इज नो डाउट सिटिंग फॉर सर्विस। और पैसों की तो इसमें दरकार ही नहीं। एंड देयर इज नो नीड ऑफ मनी इन दिस एट ऑल। बाबा के पास तो बहुत है। बाबा हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ। बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हो। यू चिल्ड्रन मेक योर लाइफ लाइक डायमंड। तो हीरे जैसा जीवन कोई ऐसे ही थोड़े ही बनता है। सो यू कांट मेक योर लाइफ लाइक अ डायमंड सो इजीली। अपनी मेहनत की पाई पाई की कमाई से बनाते हो। यू मेक इट विथ एवरी पाई ऑफ द अर्निंग ऑफ योर हार्ड वर्क।
तुमको तो 21 जन्मों के लिए सुख मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू अटेन हैप्पीनेस फॉर 21 बर्थ। अभी बाप आए हैं वापस ले जाने के लिए, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। Now the father has come to take you back. He just says, become pure. Baba raay dete hai ki koshish karke dekho. Baba gives advice. Try and check it. Koi bhi kaam kashish purvak karenge to zarur hoga. If you do any work with interest, it will definitely be accomplished. Himmat karenge to baap मददगार बनेगा। इफ यू शो करेज द फादर विल बिकम योर हेल्पर। वैश्याओं को कभी भी निमंत्रण नहीं दिया गया है। प्रोस्टिट्यूट्स हैव नेवर बीन इनवाइटेड। उनको निमंत्रण देकर कभी बुलाया नहीं। हैवन दे एवर बीन इनवाइटेड। अपने स्थान पर नहीं आने देते हैं वो एक अलग बात। स्टूडेंट रिप्लाइज, दे डोंट अलाउ यू टू कम टू देयर प्लेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुमने उनको बुलाया है किसी बड़े प्रोग्राम में। बट हैव यू इनवाइटेड देम इन एनी बिग प्रोग्राम। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा गिव्स दिस डायरेक्शन। साधु संतादि तो ऐसा काम कर ही नहीं सकेंगे कि कोई बड़ा मजमा लगावे और उनको निमंत्रण देकर के बुलावे। द सेजेस सेंट्स एंड सो ऑन वोंट बी एबल टू डू दिस एट ऑल, दैट दे विल ऑर्गेनाइज अ बिग गैदरिंग एंड इनवाइट देम, दैट इज द प्रोस्टिट्यूट्स इन इट। उनको तो देह अहंकार बहुत आता है। They have a lot of bodily arrogance. Baba कहते हैं कि पहले तो ये काम करके दिखाओ। Baba says, first do this and set an example. फिर ये सेमिनार आदि करना। Then organize these seminars, etc. नहीं तो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मेले मनाकर बहुत करती रहती। Otherwise, you keep organizing a lot of seminars, conferences, fairs, and so on. पतितों की जमात को उठाओ तो पता चले। अपलिफ्ट द कम्युनिटी ऑफ द इम्प्योर, इट इज देन दैट यू विल बिकम नोन। बाबा खास दिल्ली और बॉम्बे को इस सर्विस के लिए कह रहे। बाबा इज डायरेक्टिंग स्पेशली दिल्ली एंड बॉम्बे फॉर दिस सर्विस। अच्छा अच्छा गुड नाइट टू द चिल्ड्रन।